नमस्कार, मेरा नाम है ब्रिजेश यादव। इस वक्त एक बड़ी खबर विरार से आ रही है। विरार रेलवे स्टेशन पर तेज रफ्तार ट्रेन की चपेट में आने से पति पत्नी और उसके 3 महीने के बच्चे की मौत हो गई। एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना से विरार में शोक संतप्त माहौल है। आपको बता दें, रेलवे पुलिस के अनुसार अजीत कुमार मंगरू पटेल, जिसकी उम्र 28 साल था, वो वसई में नट बोल्ट बनाने वाली कंपनी में काम करता था। उसकी पत्नी सीमा देवी पटेल, जिसकी उम्र 26 साल थी, वो 3 महीने पहले सूरत में अपने मायके में एक बच्चे आर्यन को जन्म दी थी। अजीत अपनी पत्नी को मायके से सूरत लौट रहा था लेकर। बताया गया कि गुरुवार रात को वह विरार रेलवे स्टेशन पर उतरा था। वहां से वह वसई जाने के लिए दूसरे प्लेटफॉर्म पर पत्नी बेटे सहित रेलवे पटरी पार कर रहा था। उसी समय गुजरात की ओर जाने वाली पुणे वीरानवेल एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में 3 आ गए और 3 की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और 3 का शव बरामद किया। वसई रेलवे पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सचिन इंगोले ने मीडिया को बताया कि यह घटना जिस स्थान पर हुई वहां रात में काफी अंधेरा था, इसलिए घटनास्थल का सीसीटीवी फुटेज नहीं मिल सका है। गुरुवार को मृतकों के परिजनों ने शव की शिनाख्त की और पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। इस वक्त एक बड़ी खबर, लगातार देखते रहे हमारे साथ लेटेस्ट खबरों के लिए। वीवीएन न्यूज़।